नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज सुबह का सारा काम हो चुका है, मेरा पूजा वगैरह भी हो गया है। अब मैं जा रही हूँ किचन में और किचन में बनाऊंगी ब्रेकफास्ट की तैयारी करने जा रही हूँ। और ब्रेकफास्ट में बनाने जा रही हूँ इडली और बादाम की चटनी और इमली की चटनी। चलिए आप लोगों के साथ उसकी रेसिपी शेयर करती हूँ और चलिए मिलते हैं किचन में। इडली बनाने के लिए एक दिन पहले ही मैं चावल और उड़द दाल को भिगो कर रख दी थी। 1 केजी चावल में 250 ग्राम उड़द दाल डाल दिया जाता है तो इससे इडली सॉफ्ट और स्पंजी बनता है। उसके बाद मैं इसे दूसरे दिन अच्छी तरह से पीस कर रख दी हूँ मिक्सर में और इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करके इसको ढक कर मैं रख दूँगी। 2-3 घंटे के लिए मैं इसे रख दूँगी, उसके बाद इसकी इडली बनेगी। और 2-3 घंटे के बाद मैं देखिए ये इडली स्टैंड में थोड़ा थोड़ा ये रिफाइन लगा रही हूँ। ये रिफाइन लगा देने से इसमें इडली चिपकती नहीं है, आसानी से निकल जाती है। इस तरह से ग्रीस करके रख लें। अरे देखिए यहाँ पर मेरा इडली का बैटर तैयार है। अब मैं इसमें 1 इनो का पैकेट डाल रही हूँ। जब इडली बनाना स्टार्ट करें उस समय इनो डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इनो डालने से इडली और भी सॉफ्ट बनती है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया जाता है, उसके बाद ये रेडी हो गया है इडली बनाने के लिए। और इधर देखिए मैं बादाम की चटनी बनाने के लिए इसे बादाम को भूंज रही हूँ। और यहाँ पर देखिए चना दाल और बादाम में डालने के लिए ये है सूखा गड़ी और ये हरी मिर्च, ये सब डालकर मैं बादाम बनाऊंगी। और यहाँ पर चना दाल को भी अच्छी तरह से भून ले रही हूँ, उसके बाद मैं ये सब को मिक्स करके चटनी बना लूँगी। यहाँ बादाम के छिलके मैं निकाल दी हूँ, उसके बाद मिक्सर में डाल दी हूँ। यहाँ चना दाल डाल दी और इसमें देखिए हरी मिर्च और गड़ी मैं डाल रही हूँ। ये 4 चीज़ इसमें डालकर इसे थोड़ा सा पानी डालकर पीस लिया जाता है। मिक्सर में आप इसे पीस ले अच्छी तरह से। इसे एक बर्तन में निकाल कर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए। जितना आपको गाढ़ा या पतला रखना है उस तरह से आप पानी इसमें ऐड करें। इसे पानी ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पर देखिए मैं जा रही हूँ इमली की चटनी बनाने के लिए। सॉरी, इसे मैं पहले छौंक लगा लूँ। बादाम की चटनी को छौंक लगाने के लिए जा रही हूँ। इसमें देखिए है सरसों, एक काला राई होता है वो आप डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं था इसलिए मैं पीला वाला डाल रही हूँ। और लाल मिर्च और ये कड़ी पत्ता सभी को डालकर इसमें जो बादाम की चटनी है उसे डालकर इससे छौंक लगा लें, इससे अच्छा टेस्ट आता है। इसमें नमक स्वाद अनुसार मिक्स कर लें। आप इसमें लहसुन भी डाल सकते हैं और मैं इसका भोग लगाऊंगी इसलिए इसमें लहसुन ऐड नहीं कर रही हूँ। और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके बस एक उबाल आने तक पकाकर इसे उतार लेना है। ज़्यादा देर तक गैस पर नहीं रखना है। और ये देखिए थोड़ा सा मैं इसमें नमक भी स्वाद अनुसार ऐड कर रही हूँ। देखिए चटनी बनकर तैयार हो चुका है, बहुत ही टेस्टी चटनी लगती है। और यहाँ पर देखिए मैं जो इडली का बैटर है उसे मैं डाल रही हूँ। और इसे इडली स्टैंड में मैं सेट करके एक बड़े से बर्तन में थोड़ा सा पानी डालकर मैं उसके बीच में रख दी हूँ और इसे मैं ढक कर रख दूँगी। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर मैं इमली की चटनी की तैयारी कर रही हूँ। इमली की चटनी के लिए पहले से इमली मैं भिगो कर रख दी थी और उसे अच्छी तरह से छान ली हूँ। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा जीरा, जवाइन और ये लाल मिर्च मैं इसमें डाल दे रही हूँ और थोड़ा सा सरसों तेल इसमें डालकर मैं इसे अच्छी तरह से तड़कने दूंगी। ये तड़क चुका है, अब मैं इसमें इमली का
जो मैं छान कर रखी हूँ उसे मैं डाल दी हूँ और इसे अच्छी तरह से इसमें उबाल आने दूंगी। और इसमें थोड़ा सा नमक मैं ऐड कर रही हूँ। और यहाँ देखिए ये मीठा डाल दे रही हूँ इसमें। इस तरह से डालकर अच्छी तरह से गाढ़ा होने तक पका लेना है। और इमली की चटनी बनकर तैयार हो गई है। और यहाँ देखिए मैं कान्हा जी के लिए भोग के लिए मैं इमली इडली और ये चटनी वगैरह डाल रही हूँ। ये कान्हा जी का मैं भोग लगाने के लिए निकाल रही हूँ। और यहाँ पर मैं इनको भोग लगा दी हूँ। और ये देखिए मेरा इडली बनकर रेडी हो चुका है। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप लोग भी आएँ इडली और चटनी खाने के लिए। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।